नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का रसमलाई, जो बहुत ही सिंपल है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आइए बनाते हैं ब्रेड की रसमलाई। देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और सामग्री। ब्रेड की रसमलाई बनाने के लिए हमने दूध लिया हुआ है। दूध हमने 500 ml लिया हुआ है, फुल क्रीम, और इसको भी हम बॉयल करेंगे। और ब्रेड की रसमलाई बनाने के लिए हमने ये ब्रेड लिया। ब्रेड हमारी बिल्कुल ये फ्रेश होनी चाहिए। इसमें हमारी इसको भी काट निकाल के इसको हम काटेंगे। मेवे हमारे हैं करीब 10 बादाम है हमारे, चिरौंजी है, अखरोट है, काजू है। अभी इनको हम महीन महीन चॉप कर लेंगे। हमारा ये चीनी है, करीब चीनी हमारा 50 ग्राम है। ये केसर है। सबसे पहले हम दूध को बॉईल करेंगे। हमने ये ब्रेड ली हुई है। ब्रेड हमें अच्छी ब्रेड लेनी होगी। हमें किनारे का भाग ये निकाल देंगे। इसके लिए हम और हमें 20 ml ये काटना होगा। तो हम ये हमने ये एक गिलास लिया हुआ है। हम गिलास के नाप के हम इसको काटेंगे। हमें किनारे नहीं आने चाहिए इसमें, और इस तरह हम काट लेंगे। इस तरह हमारी हम सारी ब्रेड काट लेंगे। इस तरह हमने सारी स्लाइस काट ली है, और दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है। इसको हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे। और दूध को हम हिलाते हुए, हमारे करीब 10 से 15 मिनट हो गए और दूध भी हमारा ये गाढ़ा हो गया। अभी थोड़ा और इसको गाढ़ा करेंगे। ये मेवे हमने सारे ये चॉप कर लिए महीन महीन। अब इसको इसमें हम डाल देंगे आधा। मेवा डालने से पहले हम चीनी भी डाल देंगे। चीनी को पहले इसमें घुल जाएगी, तब हम मेवा डालेंगे। अब दूध हमारा ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम मेवे डाल देंगे। थोड़े मेवे रोक लेंगे हम गार्निशिंग के लिए, और हम केसर भी डाल देंगे। गैस ऑफ करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दूध हमारा ये बॉयल हो गया है, और इसमें केसर डालने से हमारा ये केसरिया रंगूसा हो गया है। अब इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए। दूध भी हमारा इस तरह गाढ़ा होना चाहिए। अब इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। हमारा ये रसमलाई का दूध ये हल्का ठंडा हो गया है, और इसको हमने करीब थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब ये कटी हुई ब्रेड को हम इसको एक एक ब्रेड निकाल के इसको ऐसे डिप करेंगे। इस तरह इसको डिबो के
ये ब्रेड की रसमलाई आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इसको, और खाना भी बहुत ही बढ़िया होती है। इस तरह हम इसमें और इसमें हम एक एक चम्मच डाल देंगे। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और थोड़े से केसर डाल देंगे। लीजिए, हमारी केसरिया ब्रेड रसमलाई तैयार है। ये बहुत ही खाने बहुत स्वादिष्ट है। आप इसे बनाइए, खिलाइए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।